देशवासियों की उम्मीदों को साकार करने के लिए मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज हो गया। प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम पर जितनी चर्चा हो रही है उतनी ही चर्चा मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वालों को लेकर भी है। मोदी मंत्रिमंडल में रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर जैसे नेताओं को कैबिनेट से बाहर करने के फैसले को लेकर भले ही ये माना जा रहा है कि संगठन को मजबूत करने के लिए ये फैसले लिए गए हैं, लेकिन इसे लेकर काफी हैरानी भी है और विपक्ष को सियासी हमले का मौका भी मिल गया है। जिस वक्त देश में प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम के नए सदस्यों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था, एक नई कयासबाजी भी सियासी गलियारों में लग रही थी। एक के बाद एक कई ऐसे नाम गिनाए जा रहे थे जिनको मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने का अंदेशा था। धीरे धीरे कई नाम सामने आते गए और उनके इस्तीफे की खबरों पर मुहर भी लगती गई। जब नए मंत्रियों के शपथ में कुछ ही वक्त बचा था, अचानक दो इस्तीफों की खबर से सनसनी फैल गई। इसमें पहला नाम रहा केंद्रीय कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का, लेकिन इसकी वजहों पर अटकलबाजियों का दौर शुरू होता उससे पहले ही एक और बड़ा नाम सामने आ गया, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की लिस्ट में सदानंद गौड़ा, रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत, रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, संतोष कुमार गंगवार, बाबुल सुप्रियो, संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया, प्रताप चंद सारंगी, देवोश्री चौधरी के नाम शामिल हो गए। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफों ने विपक्ष को तंज कसने का मौका दे दिया। सारी उम्र आईना साफ करते रहे, धूल तो चेहरे पे थी, अब ये लिफाफोफी करके किसी के सर पे ठीकरा फोड़ने की बात है। पर सारे मंत्रियों का काम क्या करना, कैसे करना, क्यों करना, कब करना, सारा ज्ञान तो प्रधानमंत्री देते थे। अब अगर आप आज हेल्थ मिनिस्टर को हटा रहे हो तो इसका मतलब ये साफ हो गया कि प्रधानमंत्री जी खुद मानते हैं कि इस देश में कोरोना के चक्कर में जो कुछ हुआ उसमें फेल्योर थी। निश्चित रूप से रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर के इस्तीफे सबसे ज्यादा चौंकाने वाले रहे। इन दोनों मंत्रियों के पास अपने मंत्रालय के अलावा अतिरिक्त मंत्रालयों का भी जिम्मा था। इन दोनों का नाम कद्दावर मंत्रियों में शुमार था, लेकिन इनके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े मंत्रियों के इस्तीफे भी कम चौंकाने वाले नहीं रहे। नए भारत के लिए टीम मोदी की नई टीम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को बाहर किए जाने को विपक्ष ने कोरोना की दो लहरों के वक्त पर आप लोग जब तक अकल से काम नहीं लेंगे शक्ल बदलने से क्या फायदा है। मैं तो यही कहूंगी, इफ आप ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर बदल रहे हैं, आप हेल्थ मिनिस्टर बदल रहे हैं, अच्छी बात है, पर सरकार की नीति क्या है, वो लागू क्या करेंगे। इसी तरह देश को नई शिक्षा नीति देने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के इस्तीफे से भी कई लोग चौंक पड़े। हालांकि निशंक के इस्तीफे की वजह उनकी खराब सेहत को बताया जा रहा है। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक के साथ ही शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे के इस्तीफे को विपक्ष मुद्दा बनाएगा ये तय। तो ड्रीम टीम का गणित समझने के लिए हमारे साथ हमारे कई सहयोगी जुड़ रहे हैं। मैं बता दूं हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं संदीप बोल, साथ ही नीरज भी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अमित भी जुड़ने की जानकारी मिल रही है और विक्रांत के भी जुड़े होने की जानकारी है जिन्हें आप देख भी रहे हैं। तो सबसे पहले विक्रांत आपके पास ही मैं रुख कर लेती हूँ, जरा बताइए ये जो ड्रीम टीम मोदी कैबिनेट की बनी है इससे अब उम्मीदें क्या हैं और साथ ही साथ जो विपक्षियों को मौका मिल गया है सवाल उठाने का उस पर भी आगे अब चलकर मोदी 2.0 की सरकार कैसे रिएक्ट करने वाली है। देखिए विपक्ष सवाल उठाएगा, विपक्षों को मौका मिला है और विपक्ष राजनीति में अगर है तो राजनीतिक सवाल आरोप प्रत्यारोप उठते रहेंगे। लेकिन मैं इस मंत्रिमंडल विस्तार को अगर हम देखें, करीब से देखें, तो ये बहुत ही साहसिक फैसला था। अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगियों को दरकिनार किया जाना किसी भी प्रधानमंत्री के लिए आसान नहीं होता, लेकिन बड़ा फैसला लिया गया, बड़े बड़े मंत्री हटाए गए, फिर चाहे वो रविशंकर प्रसाद हों, प्रकाश जावड़ेकर हों और सर बाकी जो निशंक हों शिक्षा मंत्री,
मंत्री हर्षवर्धन है हेल्थ मिनिस्टर, तो बड़े मंत्रियों को हटाया गया, नए लोगों को शामिल किया गया और मंत्रिमंडल में जो नए लोग शामिल किए गए हैं उनकी तरफ आप देखिए तो टेक्नोक्रेट्स उसमें है, उसमें त्रिपुरा से सांसद को बनाया गया है मंत्री, इसके अलावा डॉक्टर उसमें मंत्री है, जो एवरेज एज है युवाओं की वो कम हो गई है मंत्रिमंडल की। एक चीज जरूर मैं इसमें मुझे थोड़ा लग रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में हालांकि 3 मंत्री हुआ करते थे जो अभी भी मोदी मंत्रिमंडल में थे, उनमें से 2 संतोष गंगवार और रविशंकर प्रसाद अब बाहर हो गए हैं।